हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स एसएससी दिल्ली पुलिस के अंदर हमने क्लास वन क्लास टू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज करेंगे हम क्लास थ्री। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं नंबर सिस्टम्स के, जिसमें आपको हमने बताया था कि इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसी क्वेश्चन को बताते हैं जो क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने नंबर सिस्टम के 1 से 12 पॉइंट्स बताए थे, 12 पॉइंट्स बताए थे, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अभी करवा रहे हैं। हमने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज क्लास 3 के अंदर 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, ये 31st क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2005 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो आज देख रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से ऑलरेडी हमारे क्लास 1 क्लास 2 को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, कुछ बच्चे नए होंगे। कोशिश हमारी ये होती है कि हर नए बच्चे को भी ऐसा फील हो कि बिल्कुल हमारी क्लास बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और यहीं से वो स्टार्ट करें। लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड क्लास को भी आप देख लेना है। तो 31st क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्या का योग बताए। इंग्लिश में आप इसको समझे कि टोटल टू नंबर इज 120, दो नंबर का प्रोडक्ट 120 है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 89 है। कह रहा फाइंड द सम ऑफ नंबर, तो नंबर का सम बताइए क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कई तरीके हैं बनाने के। सिंपल तरीका ये कहता है कि मान लो दो नंबर आपका ए और बी है, तो प्रोडक्ट मतलब ए बी 120 हो गया और वर्ग का यूनिट स्क्वायर ऑफ देयर सम, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 29 हो गया। बोला है सम बताइए ए प्लस बी, तो आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 दे रखा है और प्लस में 2 × 120 आ जाएगा, 289 प्लस 240 ये आ जाएगा आपका कितना 529, तो ए प्लस बी का स्क्वायर 529 है, तो ए प्लस बी होगा रूट के अंदर आ जाएगा 529। 529 का रूट निकालेंगे 23। रूट निकालने के कई तरीके हैं, यहाँ पे आपको स्मार्ट ट्रिक ही है कोई तरीका बता रहे हैं कि 529 का स्क्वायर रूट निकाल। सबसे पहला तो ये है कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर को रट जाओ, 23 का स्क्वायर 529 होता है। अगर आप 1 से 30 तक के स्क्वायर को रट लोगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 23 का स्क्वायर 529 है, इसको याद कर लेना है। अगर आपको याद नहीं है तो तरीका ये है कि लास्ट के दो डिजिट को अलग कर लो, 29 अलग कर लो, 5 बचा, देखो ये किसका स्क्वायर है, तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके नजदीक 2 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 हमने लिख दिया, 2 लिख दिया टेंस प्लेस पे। अब आपके पास 29 बचा हुआ है, तो लास्ट डिजिट आप देखो 9 है, किस डिजिट का स्क्वायर करने से 9 लास्ट में आएगा, या तो 3 का स्क्वायर से 9 आएगा या 7 के स्क्वायर से 9 आएगा, तो आप 3 और 7 दोनों लिख दोगे। ऑप्शन में देखोगे यूनिट डिजिट में 9, यहाँ पे ये 3 आपका पहला टेस्ट, तो 2 पता चल गया है, इसमें 2 नहीं है, नहीं हो सकता 2 नहीं है, नहीं। ये दोनों में जो है टेस्ट डिजिट, ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यूनिट तो 3 आना चाहिए, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो आप इस तरह से ट्रिकी अप्रोच से भी आप इसके जवाब को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 32। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2000 के अंदर पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे क्या कह रहा है कि एक जार में कुछ 8 पैरों के केकड़े व कुछ 4 पैरों के बिच्छू हैं, यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो 100 आता है और सर को गिनते हैं तो 20 आता है, तो बताइए कि केकड़े कितने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रीमिंग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इसको जो है मैथ वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो आप देखोगे इसके अंदर अगर हम इंग्लिश में सोचे तो क्या कह रहा है, इन ए जार देयर आर सम क्रैब्स ऑफ 8 लेग्स एंड सम ऑफ 4 लेग, कुछ 8 लेग वाले हैं और कुछ 4 लेग वाले हैं, और कह रहा है टोटल का सम करने से लेग को सम किया जाता है तो क्या आता है 100 आता है, और टोटल हेड को अगर हम देखते हैं तो 20 आता है। कह रहा फाइंड द क्रैब्स ऑफ 8 लेग्स। इस क्वेश्चन को बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका ऑप्शन का है और एक तरीका डायरेक्ट है। हम पहले डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि 8x प्लस 4y, 8 अगर 8 लेग्स वाले केकड़े कितने x हैं और 4 वाले y है, तो 8x प्लस 4y टोटल क्या हो जाएगा लेग 100, 2 कॉमन ले लो 4 कॉमन ले लो, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 2x प्लस y हो जाएगा 100 अपॉन में 4 आ जाएगा, काट के 25 आ गया, यानी x और x प्लस y टोटल सर दे रखा है 20, तो 4 लेग वाले के भी एक ही सर होंगे, 8 लेग्स वाले के भी एक ही सर होंगे,
एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा आपका 20, एक्स प्लस वाई 20 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा 25 माइनस 20 डेट इज 5, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 5 आ गया। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते थे कि 8 लेग्स वाले पूछा गया, तो मान लो 8 लेग्स वाले कितने हैं 15 है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 20 है, तो 5 बच जाएगा, तो 15 अट्ठे कितना आ जाएगा 120। आप देखोगे कि अगर हम सिर्फ इसी का 8 लेग्स वाले का ही देखते हैं तो 120 आ जाएगा, इसलिए ये गलत है। अगर आप इसमें देखते हैं कि अगर मान लो 8 लेग्स वाले 5 है तो 4 लेग वाले कितने हो गए 15 हो गए, तो अगर 5 है तो 85 जा 40 हो गया और 44 जा 160 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 5 लेग्स वाले अगर 8 है तो 85 जा 40 लेग्स हो गया, और 4 लेग वाले अगर 15 तो 15 चौके 60 हो गया, तो 60 और 40 100 आ गया आपका, तो राइट आंसर क्या आ गया 5। तो दोनों जो है राइट है, आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 33 क्वेश्चन में आप देखोगे 33 क्वेश्चन इसमें हम अगर चेक करते हैं कि हमारे पास जो है तो 33 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें मैं कह रहा है कि 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों में बांटे जाते हैं जिनकी कुल संख्या कितनी है 85 है, और कह रहा है प्रत्येक लड़के के 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं तो लड़कों की संख्या क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें तो क्या कह रहा है कि 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स व्हिच टोटल नंबर इज 85, तो कह रहा है इफ इच बॉय गेट्स 4 एंड इच गर्ल्स गेट 5 फाइंड द नंबर ऑफ बॉय। इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो, एक ऑप्शन से कर सकते हो, एक डायरेक्ट कर सकते हो। अगर हम ऑप्शन से पहले डायरेक्ट देख लो, टोटल आपके पास कितने हैं बॉयज एंड गर्ल्स मिलके टोटल हमारे पास 85 है, तो x प्लस वाई हो जाएगा आपका 85, लड़के को 4 मिलता है तो 4x, लड़की को 5 मिलता है तो 5 में 380 हो जाएगा। तो अब देखा 4x प्लस 5 1 380 है, यहां से हमें x पूछा गया तो y निकाल लो, 85 माइनस x, y की वैल्यू पुट किया 5 इंटू 85 माइनस x आ गया, तो ये क्या आएगा 4x प्लस 5 इंटू 85, 5 जा 25, 5 8 जा 40, 42 और ये आ जाएगा आपका 425, माइनस का 5x आ जाएगा 380, x वाले को एक साथ रखो 4x माइनस 5x माइनस x आ गया 380 माइनस 425, माइनस का 45 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 45, यानी कि हमारे लड़कों की संख्या कितनी आ गई 45। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर ऑप्शन से बनाना है तो मान लो ऑप्शन में से 45 दे रखा है, लड़का है तो लड़की की संख्या क्या आ जाएगी 85 में से 45 घटा दो 40 आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो 45 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40 तो आ जाएगा 380, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 45। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यदि दो अंकों की किसी संख्या और अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का जो योग है यानी सम 99 है, तो कह रहा है जो मूल संख्या यानी ओरिजिनल संख्या है उसके अंक यानी डिजिट का सम कितना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप देखोगे इंग्लिश में, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान दे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 99, कह रहा है दो डिजिट का जो नंबर है उसका और नंबर को रिवर्स करने से जो नंबर है उनका सम 99 है। सपोज कीजिए कि कोई नंबर आप मान लीजिए 12 है, रिवर्स करने से क्या बनेगा 21 बनेगा, 12 और 21 को ऐड कर रहे हैं तो ये 44 आ रहा है। इसी तरह से कोई दूसरा नंबर है जिसको नंबर और रिवर्स करने से जो नंबर आया उसका सम 99 है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर जो उसके डिजिट का सम क्या होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो आपको दिया गया सम उसको 99 को जो सम 99 दे रखा है 11 से आप डिवाइड कर दो, आपका राइट आंसर क्या आ गया 9। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा अगर क्वेश्चन ये दे दे कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने से नंबर का सम ये है तो बताओ कि जो ओरिजिनल नंबर उसका सम डिजिट का सम क्या होगा। ऑलवेज क्या करेंगे 11 से उसको क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, यहाँ जैसे 99 दिया हुआ था 11 से डिवाइड कर दो 11 9 जा 99 आपका राइट आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 35 क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे
करा किसी धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या का 2/3 और उसका जो रेसिप्रोकल का 25/216 है, यानी कोई संख्या है जिसका बता रहा है कि अगर 2/3 निकाला जाए और उसके रेसिप्रोकल का 25/216 निकाला जाए, दोनों इक्वल होता है, तो बताइए वो नंबर क्या है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो कि मान लो नंबर x है, 2/3 2/3 आ गया, इक्वल x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और ये कितना है 25/216। तो x को इधर लाओगे तो x नीचे इधर आके x स्क्वायर बन जाएगा, ये आएगा 25/216 और ये 2/3 जो राइट में जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3 से काट दो, 3 7 जा 21 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 25/144। तो x क्या होगा रूट के अंदर 25/144, तो 5/12 आपका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, कह रहा यदि x अपॉन यदि मतलब इफ x अपॉन 14 मल्टीप्लाई 9/10 9/28 है, कह रहा फाइंड द वैल्यू x, x की वैल्यू बताइए। तो आप देखेंगे कि x अपॉन 14 9/10 9/28 है, x फाइंड करना है तो ये 14 10 नीचे ऊपर चला जाएगा, ये 9 ऊपर नीचे आ जाएगा, तो 9/28 × 14 × 10/9, ये 9 से 9 काट दो, 14 2 जा 28 2 5 जा 10, आपका आंसर आ गया 5। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया, इसलिए राइट आंसर हमारा ए आ गया। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 37 क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ 2010 के अंदर, दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा दो संख्याओं को 17 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल यानी रिमाइंडर क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली 13 और 11 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्या के जोड़ को 17 से डिवाइड किया जाए, दोनों संख्या के सम को 17 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर यानी शेष क्या होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी संख्या को दो संख्या को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो दो रिमाइंडर अलग अलग देता है, तो कह रहा है कि उस दोनों संख्या के सम को डिवाइड करें उसी नंबर से तो क्या होगा। तो ट्रिक कहता है कि रिमाइंडर के सम को आप डिवाइड करो, तो 13 11 करा दोनों के शेषफल यानी रिमाइंडर के जोड़ को 17 से आप डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो गया। तो 13 + 11 = 24 होगा, 17 से डिवाइड कर दो, 24 को 17 से डिवाइड करोगे तो 17 × 1 = 17, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7। तो यही आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है 38 एक संख्या दो अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या पहली संख्या में से जोड़ा जाए तो बता रहा परिणामी संख्या क्या होगा। इंग्लिश में आप समझ सकते हैं कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑलवेज डिवाइड, दो डिजिट का कोई नंबर है और उसको रिवर्स करने से जो नंबर बना है उसका जो सम है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो याद रखो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। ट्रिक बताया था हमेशा 11 से डिवाइड होगा, तो राइट आंसर क्या आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 39 ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस 2005 के अंदर और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कह रहा एक संख्या जब अपने 10 गुने में जोड़ी जाती है तो 264 हो जाता है, तो बताओ वो संख्या कौन सी है। इंग्लिश में अगर हम बोले कह रहा इफ अ नंबर इज एडेड टू द 10 टाइम्स इट बिकम 264 फाइंड द नंबर, किसी नंबर में अगर उस नंबर के 10 टाइम्स को ऐड किया जाता है तो 264 आता है, तो वो नंबर क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, एक ऑप्शन का तरीका है कि जो ऑप्शन में दिया गया उसका 10 टाइम या 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसी संख्या को ऐड करके देखो 264 आता है कि नहीं, तो आप देखोगे 24 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा और 240 में अगर आप 24 को जोड़ोगे तो 264 आ जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, तो यही आंसर राइट हो गया। बेसिक तरीका कहता है नंबर x है 10 टाइम 10x हो गया, दोनों को सम करोगे 264 आएगा, 11x आ गया 264 तो x हो जाएगा 264/11, 11 से डिवाइड करो 11 2 जा 24 तो ये आ जाएगा 22, तो 4 बचेगा 11 4 जा 24 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 40 क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को लगातार क्रमशः 4 तथा 5 से अगर डिवाइड किया जाता है तो 2 और 1 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 20 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या को लगातार 4 और 5 से डिवाइड किया जाता है तो ये शेष बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है कि सबसे पहले आप ये देखो कि जो आप जिससे डिवाइड किया डिवाइजर D1 D2 इन दोनों का जो है
प्रोडक्ट लिया गया, ये दोनों का अगर प्रोडक्ट रहेगा तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा। पहला रिमाइंडर टू है, दूसरा रिमाइंडर वन है। तो आपसे पूछा गया है कि जो है नया रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा याद रखो न्यू रिमाइंडर क्या होगा, फर्स्ट रिमाइंडर प्लस फर्स्ट डिवाइडर इंटू सेकेंड रिमाइंडर, यानी कि फर्स्ट रिमाइंडर आपका टू है तो टू प्लस फर्स्ट डिवाइजर आपका फोर है और रिमाइंडर वन, सेकेंड रिमाइंडर वन है तो फोर इंटू वन, तो टू प्लस फोर इंटू वन सिक्स आ गया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन ट्रिक काफी अच्छा ट्रिक है, कोई बच्चा बेसिक से बनाएगा काफी टाइम इसमें खराब होगा, आपको जस्ट ये ट्रिक अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, विभाजन के किसी प्रश्न में यानी डिवीजन के किसी क्वेश्चन में भाजक यानी डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हो, भागफल यानी क्वेश्चन जो आपका आंसर आता है का चार गुना है, फोर टाइम्स है, तथा शेषफल जो रिमाइंडर बचता है उसका थ्री टाइम्स यानी तीन गुना है। तो कह रहा है यदि तुम्हें शेषफल यानी रिमाइंडर चार दिया गया है तो भाज यानी डिविडेंड क्या है, संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए पहले ये बेसिक पॉइंट को जान, मान लो 5 से आपने 26 को डिवाइड किया तो 5 से 26 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 5 = 25, जिससे डिवाइड करोगे वो डिवाइजर यानी भाजक होगा, जिसमें डिवाइड करोगे वो डिविडेंड यानी भाज होगा, और जिससे जो जवाब आएगा 5 ये आपका कोशेंट भागफल हो गया, जो बचेगा वो रिमाइंडर हो गया। ये फॉर्मूला होता है भाज यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर यानी भाजक कोशेंट गुना में कोशेंट यानी भागफल प्लस में शेष। यहाँ हमसे जो अगर एग्जांपल में देखो डिविडेंड 26 है तो 26 किसके बराबर होना चाहिए, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर 5 है क्वेश्चन 5 है, 5 इनटू 5 प्लस 1 26, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये था बेसिक पॉइंट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें अपने क्वेश्चन को, तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर जो है वो फोर टाइम्स है, किसका, तो कह रहा है कोशेंट का वो फोर टाइम्स है, तो कोशेंट अगर आपने माना है 4x, ये फोर जो ये डिवाइजर क्या है 4x हो गया, डिवाइड क्वेश्चन x है तो ये 4x हो गया, और इसने क्या बोला है कि वो रिमाइंडर का क्या है 3 times है, यानी कि जो आपका ये दे रखा है क्वेश्चंस में कि हमें रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, रिमाइंडर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। अब बोला है कि जो डिवाइजर है वो क्वेश्चन का कितना है 4 times है, तो 4 3 = 12 हो गया। तो आप देखोगे डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, तो डिवाइजर यानी जिससे डिवाइड करते वो 12 आ गया, और पल इनटू में कोशेंट, कोशेंट आपका कितना आ गया यानी भागफल क्या है 3, अब प्लस में रिमाइंडर दे रखा है आपका 4, तो आपका जवाब हो जाएगा 36 प्लस में 4 40। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो, क्वेश्चन यही कह रहा तुम्हें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डिवाइजर है वो कोशेंट का 4 times है, तो कोशेंट को आपने x माना है तो डिवाइजर 4x हो गया, और कह रहा है कि जो रिमाइंडर का वो 3 times है, रिमाइंडर तो आपको दे दिया है 4, यानी ये 12 हो गया, यानी कि आपने जो निकाला है 4x बराबर हो जाएगा 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो आपने ये पॉइंट निकाल लिया। अब आपसे जो पूछा गया है कि हमारा जो आंसर है डिविडेंड डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर तो आपको पता चल गया जिससे डिवाइड करते हो 12 है और कोशेंट आपका 3 है, रिमाइंडर 4, 40 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 42, कह रहा है किसी संख्या को 899 से अगर डिवाइड यानी भाग देते हैं तो 63 शेष रहता है, यदि उसी संख्या को 29 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या रहेगा, यानी इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 the number remainder comes 63, if same number is divided by 29 find the remainder। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ट्रिक कहता है कि ये डिवाइजर था, पहला डिवाइजर है 899 और दूसरा डिवाइजर है 29, तो ये दोनों का कनेक्शन होना चाहिए, 29 से यानी सेकंड डिवाइजर से पहला वाला डिवाइड होना चाहिए, अगर ये डिवाइड होता है तभी ऐसे प्रश्न का जवाब पॉसिबल है, नहीं होता तो पॉसिबल नहीं, तो ज्यादातर इससे ये बिल्कुल डिवाइड होगा, अगर ऐसा होता है तो नए डिवाइजर से आप दैट शेष यानी रिमाइंडर को डिवाइड कर दो, 29 से 63 को डिवाइड कर दो, 29 to 58 को घटाओगे तो 5 आएगा, यानी आपका आंसर क्या आ गया 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ट्रिक कि ऐसे प्रश्न में यदि पहला डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से डिवाइड होता है तो नया भाजक यानी डिवाइजर से शेष यानी रिमाइंडर को भाग दो, जो शेष आएगा वो तुम्हारा आंसर है,
29 से 63 को डिवाइड करो, 29 to 58, 5 बच जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखोगे 43, कह रहा किसी संख्या को लगातार, किसी संख्या को लगातार अगर डिवाइड किया जाता है 3 और 5 से तो 2 और 1 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 15 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या आएगा। कह रहा इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5 कंटिन्यूअसली रिमाइंडर केम 2 and 1, इफ सेम नंबर डिवाइडेड बाई 15 फाइंड द रिमाइंडर। तो टेक वही है, आपने देखा 3 into 5 15 आ रहा, नया रिमाइंडर यानी शेष पूछा गया, तो ट्रिक क्या बताया था कि फर्स्ट रिमाइंडर लो, पहला रिमाइंडर 2 है, 2+ सेकंड डिवाइजर कितना आपका, सेकंड डिवाइड फर्स्ट डिवाइजर कितना आपका 3 और सेकंड रिमाइंडर है 1, 3 into 1 यानी 2+ में 3 into 1, 2+3 क्या आ जाएगा 5, आपका राइट आंसर आ गया। आप इसको यही लिख सकते हैं कि R1+D1 into R2 या D1 into R2+R1, 5 इज करेक्ट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 44, कह रहा है 5 to 7 8 को किस संख्या से डिवाइड किया जाए कि उसका जो कोशेंट यानी भागफल 42 है और शेषफल रिमाइंडर 28 आता है। तो अभी अभी आपने सीखा है फॉर्मेट डिविडेंड दे रखा है, जिसमें डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड है, भाज्य 5 to 7 8 है, भागफल जो रिजल्ट आता है कोशेंट वो 42 है, रिमाइंडर शेष दे रखा है 20, डिवाइजर आपसे पूछ रहा है, आप अपना फॉर्मूला लगाओगे डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो ये डिवाइजर गुना यानी भाजक गुना 42 प्लस 28 आ जाएगा, तो डिवाइजर निकालोगे तो 5 to 7 8 में से 28 को लेस करो और 42 से डिवाइड, लेस करके आएगा 5 to 5 0, 42 से डिवाइड कर दोगे 125 आ जाएगा, जो पहला ऑप्शन है और यही आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा किसी संख्या को 5 से अगर डिवाइड किया जाए तो भाग किया जाए तो 3 शेष रहता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या आएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक यही कहता है कि जो शेष आया उसका वर्ग कर दो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 को 5 से डिवाइड कर दो 4 बचेगा, आपका राइट आंसर क्या आ गया 4 आया। तो आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल क्वेश्चन का आइडिया भी होगा, और आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ये था हमारा 3rd क्लास जिसमें 45 क्वेश्चन तक हमने किया है, इसके बाद जो हमारी 4th क्लास होगी वहां 46 से स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ संख्या में कुछ क्वेश्चन है वो करवाएंगे, जैसे आपको पूछा जाएगा यूनिट डिजिट इकाई का अंक याद करो, इस तरह के एक आध क्वेश्चन बच रहे हैं, फिर इसके बाद आपको सिखाएंगे इसके बाद जो है आपको सिखाएंगे कि किस तरह के जो क्वेश्चन है ना, किस तरह के क्वेश्चन और इसमें पूछे जा सकते हैं, जैसे वर्गमूल निकालना, जो जो हमने टॉपिक्स 1st क्लास में सारी सिलेबस बताया वो सारे सिलेबस को कराएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको सारी क्लासेस लगातार मिलती रहे। थैंक यू।